लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां जुट गई है और अपने संगठन को एकजुट करने में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत बसपा के पूर्वी चंपारण जिला इकाई के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। जिला मुख्यालय मोतिहारी स्थित नगर भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि बहन मायावती ने देश के सभी लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया है। प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने विपक्षी एकता की बैठक में मायावती को नहीं बुलाए जाने पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, नीतीश कुमार बुलाए या नहीं बुलाए ये मायने नहीं रखता है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में दलितों, शोषितों और वंचितों का घोर अपमान किया है। इस बैठक के शुरू होने से पहले संतोष मांझी को मंत्रिमंडल से हटाया गया और जीतन राम मांझी को महागठबंधन से निकाला गया। मायावती को एक बार भी नहीं पूछा गया। ये दलितों का अपमान है। दलितों का अपमान करने कोई गठबंधन कैसे बन सकता है, जिस राष्ट्रीय पार्टी का सभी राज्यों में शाखा है और विधायक व सांसद है, उसको किनारे करके कैसे कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। मायावती का स्पष्ट संदेश है कि हम अपने दम पर पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी अपने बल पर हासिल करेंगे। आपको, आप लोगों को पूछा नहीं कि आप लोग आए नहीं? देखिए, आपने बहुत सारा सवाल एक ही साथ पूछा है, लेकिन मैं आपको बारी बारी से जवाब दे देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। नीतीश कुमार जी बुलाए न बुलाए ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में दलितों का, शोषितों का, वंचितों का घोर अपमान किया। इस बैठक में बुलाने से पहले, इस बैठक को शुरू होने से पहले जीतन राम मांझी जी को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, उन्हें इधर से हटाया गया, महागठबंधन से हटाया गया, बहन मायावती जी को एक बार नहीं पूछा गया, निश्चित रूप से दलितों का अपमान है। और दलितों का अपमान करके कोई गठबंधन कैसे बन सकता है? एक राष्ट्रीय पार्टी को अपमानित करके, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके सारे राज्य में शाखा है, इकाई है, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उसको किनारे करके आप कैसे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी, हमारी बहन मायावती जी का स्पष्ट संदेश है कि हम अकेले दम पर भारत में चुनाव लड़ेंगे और लड़ करके प्रधानमंत्री कुर्सी को बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर लेगी। क्या नाम है? और जिस तरह से चारों तरफ अभी बिहार में हम आज मोतिहारी आए हैं, आप यहाँ भी संगठन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मोतिहारी जिला में यहाँ भी हमारे कार्यकर्ता काफ़ी मजबूती से बूथ स्तर तक कमेटी बना रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार में एक नई कहानी लिखी जाएगी, जहाँ 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ करके और निश्चित रूप से दर्जनों सांसद यहाँ बनाने का काम करेगा, जहाँ बिहार से दर्जनों सांसद हमारे यहाँ बनेंगे, जब बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बहन प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है? अनिल कुमार, बिहार प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी।